तो देखिए, बिहार के कुरुक्षेत्र में न सिर्फ बाहुबलियों की एंट्री हो चुकी है बल्कि सियासी समीकरणों के साथ ही कई नए प्रयोग भी हो रहे हैं। मसलन 90 के दशक में लालू यादव ने MY समीकरण तैयार किया, भूरा बाल वाली जो पॉलिटिक्स है अप्रोच के जरिए सत्ता की सीढ़ी तैयार की, लेकिन अब लालू के लाल तेजस्वी यादव A to Z फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। रवि ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया, लेकिन उन्हीं के विचारों को वो विरोध कर रहे हैं। संविधान पर आरक्षण को सिर्फ चुनाव में याद आता, कभी याद नहीं आता। जो लोग संविधान की बात करते हैं, किस तरीके का पाखंड रचते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं ये बाबा साहब की मूर्ति के साथ। आरक्षण, जाति, धर्म, परिवारवाद और माई फैक्टर, इन मुद्दों पर कहीं सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है बिहार, या कहिए कि बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजों में इन मुद्दों की स्वीकार्यता का लिटमस टेस्ट होने वाला है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में इंडिया गठबंधन की पूरी राजनीति आरक्षण, पिछड़ा और दलित समीकरणों के आश्रय ही आगे बढ़ रही है, जिसके केंद्र में है माई बाप फॉर्मूला। माई के साथ साथ हम लोग बाप की भी पार्टी है। बी से बहुजन, ए से आपका हो गया आगरा, दूसरा ए से हो गया आधी आबादी जो महिलाओं की है, और पी से पुअर, यानी BAAP, ये बाप। तो अगर ये माई और बाप मिला ले तो A to Z हो जाता है, कोई बसता नहीं। आमतौर पर माना जाता है कि बिहार में RJD की राजनीति माई फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर टिकी है। 90 के दशक में लालू यादव के शासनकाल में एक नारा चला था, भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ के खिलाफ राजनीतिक धारा को हवा देने वाला पॉलिटिकल अप्रोच। बीते वक्त में RJD की राजनीति इसी के इर्द गिर्द विस्तार लेती दिखी, लेकिन इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने RJD की राजनीति का दायरा माई फैक्टर से कहीं आगे तक बढ़ा दिया है। मौजूदा चुनाव में तेजस्वी यादव A to Z का नारा दे रहे हैं, जिसकी पहली झलक RJD के उम्मीदवारों की लिस्ट के रूप में नजर आई। बिहार में RJD 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इनमें से 8 उम्मीदवार यादव समाज से हैं। वहीं मधुबनी से अली अशरफ फातिमी और अररिया से शाहनवाज आलम को टिकट मिला है। 3 कुशवाहा, 1 बनिया और 3 उम्मीदवार अति पिछड़ा वर्ग से हैं। इसके अलावा SC वर्ग से 3 प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि 2 उम्मीदवार सवर्ण समाज से हैं। 90 के दशक में लालू यादव ने MY फैक्टर को मिलाकर सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला गढ़ा था, अब तेजस्वी यादव उससे आगे के रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं। 90 के दशक में लालू यादव का माई समीकरण बिहार की राजनीति में सुपरहिट रहा। ऐसे में सवाल है, क्या 2024 की चुनावी बिसात पर तेजस्वी यादव का बाप फॉर्मूला विजय दिलाएगा? हालांकि यादव वोट बैंक की पिच पर BJP के नेतृत्व वाला NDA गठबंधन भी धुआंधार बैटिंग कर रहा है। NDA की ओर से यादव समाज से 8 प्रत्याशी उतारे गए हैं। अब देखिए कि बिहार में जाति वाले फैक्टर पर सियासी दलों का इतना ज्यादा जोर क्यों है। बिहार में यादव मतदाता करीब 14% है, कुर्मी 5%, मुस्लिम 17%, सबसे ज्यादा संख्या 35% अति पिछड़ा वर्ग की है, जबकि अगली जातियां 18% की हिस्सेदारी रखती है। बिहार के इसी जातीय गणित को साधने के लिए सभी राजनीतिक दलों की रणनीति बदली हुई है, या कहिए कि बिहार का ये समीकरण सियासत में प्रयोग का नया केंद्र बन गया है। सबसे ज्यादा चर्चा RJD की रणनीति की है, जिसने यादव वोट बैंक को छिटकने से रोकने के लिए सबसे ज्यादा 8 यादव उम्मीदवार दिए, तो मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के वोटर्स का विश्वास जीतने के लिए कमंडल बनाम मंडल की राजनीति को हवा दे दी है। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में, कैसे रे भाई? अरे सब खाली लोग है, ये लोग
समाज को बांट करके राज करना चाहता है। बिहार में तेजस्वी यादव का एक एक कदम 90 के दशक में लालू यादव के राजनीतिक पन्नों को पलट रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव की सियासी चाल 90 के दशक में लालू यादव के सियासी दावपेच से काफी मेल खाती है। हालांकि बदले हुए वक्त में तेजस्वी यादव का रास्ता और रणनीति थोड़ी अलग है, जिसके सूत्रधार कहीं न कहीं लालू यादव ही माने जा रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव के आरक्षण वाले दांव ने बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। आरजेडी ने ये गिनना शुरू कर दिया है कि सेना में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, यही इनका असली चेहरा है। मां भारती की रक्षा के लिए जो सीने पर गोली खाता है वो पहले भारतीय होता है, और ये आरजेडी के लोग उसे हिंदू मुसलमान की नजर से देखते हैं। आरक्षण पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद तुष्टीकरण पर टकराव बढ़ गया है। जो संविधान में जो प्रावधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है, आप उसके विरोध में बात कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कई बार मंच पे, उनके उम्मीदवार हो, एमपी हो, चाहे बिहार में हो, हमने तो वीडियो भी डाला था जो गया में उनके लोग बोल रहे थे कि संविधान को खत्म कर देंगे। कौन बोल रहे थे? ये लोग तो करीब है, तो मानसिकता क्या है? क्यों सनातन विरोधी हैं? राम मंदिर का विरोध किया, इससे बड़ा शर्मिंदगी भरा गैर जिम्मेदारना वक्ता भी हो नहीं सकता है। आज उन्होंने पूरे देश की सेना को इंसल्ट किया है, सनातन का अपमान किया है। यानी बिहार की 40 सीटों के नतीजे किसके पक्ष में रहेंगे, किसके लिए संसद का रास्ता खोलेंगे, आरक्षण, धर्म और जाति जैसे मुद्दे तय करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।